हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट्स अड्डा। दोस्तों, आज 19 जुलाई 2022 है, तो इसके करंट अफेयर्स हम देखेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है, डेली करंट अफेयर्स, वो सब कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो हु विंस सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टाइटल? हु विंस सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टाइटल? पीवी सिंधु, वांग जी यू, एस्पिर अप्रियानी रहायो, सिती फादिया सिल्वा। द आंसर इज पीवी सिंधु। सो पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टाइटल जीता है। और ये है लिस्ट किसने क्या क्या जीता है। इंडिया की पीवी सिंधु जो है वो वुमेन सिंगल में है। इंडोनेशिया का जो एंथनी सिनिसुका गिंटिंग है वो मेन सिंगल में सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टाइटल जीता है। और मेंस डबल्स में लियो रॉली कार्नांडो एंड डेनियल मार्टिन, एंड इंडोनेशिया की अप्रियानी रहायो और सिटी फादिया सिल्वा। वुमेन्स डबल में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स। हु विंस पैरिस इन ओपन चेस टाइटल इन सर्बिया? गुकेश, आर प्रज्ञानंदा, सुलेमेनो, राहुल। आर प्रज्ञानंदा, आर प्रज्ञानंदा विंस पैरिस इन ओपन चेस टाइटल इन सर्बिया। इन चेस यंग इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा हैज वन पैरिस इन ओपन 8 चेस टूर्नामेंट 2022 इन सर्बिया। द 16-year-old रिमेन अनबीटन एंड फिनिश्ड हाफ अ पॉइंट अहेड ऑफ द फील्ड। हु इज अ प्लानिंग टू ट्रांसपोर्ट ह्यूमन फ्रॉम अर्थ टू मून एंड मार्स वाया ट्रेन? यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। द आंसर इज जापान। सो बेसिकली जापान इज प्लानिंग टू ट्रांसपोर्ट द ह्यूमंस फ्रॉम अर्थ टू मून मार्स वाया ट्रेन। सो रिसर्चर्स एट कोटो यूनिवर्सिटी जापान इन एसोसिएशन विद द काजिमा कंस्ट्रक्शंस हैव रिवील्ड प्लान्स टू बिल्ड एन आर्टिफिशियल स्पेस कॉलोनी विद द बुलेट ट्रेन दैट विल कनेक्ट अर्थ, मून एंड मार्स। हु स्ट्राइक्स गोल्ड एट ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप इन चांगवान? दिस इज इन द कोरिया एक्चुअली। सो हु स्ट्राइक्स गोल्ड? ऐश्वर्य प्रताप सिंह, तोमर, प्रफुल्ल राउत, आर गुणेश। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, ऐश्वर्या प्रताप सिंह को। जूनियर वर्ल्ड चैंपियन ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर हैज वन गोल्ड मेडल इन द मेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशंस इवेंट इन ऑनगोइंग इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप इन चांगवान, कोरिया। सो व्हाट इज ISSF? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। वर्ल्ड कप अप्रोच हाउ मच मिलियन यूएसडी डॉलर क्रेडिट टू हेल्प बांग्लादेश टू इम्प्रूव डिजास्टर प्रिपेयरनेस? 750, 500, 800, 1000। द आंसर इज 500। सो वर्ल्ड बैंक, वेयर इज वर्ल्ड बैंक? इट्स इन वॉशिंगटन, वॉशिंगटन। Who is the president? David Malpass. David Malpass. So, World Bank approved $500 million for helping Bangladesh to improve the disaster preparedness. The credit has been approved under the Resilient Infrastructure for the Adaptation and Vulnerability Reduction Project of the World Bank. It will fund the cost construction of 500 multi-purpose flood shelters, access roads and climate resilient community infrastructure in the country. 52nd BGBBSF DG level conference started in which place? Dhaka, Delhi, Pune, Leh. The answer is Dhaka. So 52nd BGBBSF DG level conference is going on in Dhaka. On an inaugural day, the two sides discussed
a wide range of issues related to border management, smuggling of arms, ammunition, drugs, trafficking of women, children, and various developmental activities. Where will India's first underwater metro be constructed? Bengaluru, Ahmedabad, Mumbai, Kolkata. It's in Kolkata, West Bengal. तो पहली अंडरवाटर मेट्रो जो है कोलकाता में बनने जा रही है. Who has become the new chief secretary of Himachal Pradesh? तो हिमाचल प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी कौन हुए हैं? आर डी धीमान, पी के मिश्रा, जे के लैम, गणेशी लाल. आर डी धीमान. तो आर डी धीमान बने हैं नए चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश. When is Nelson Mandela International Day celebrated? 17th of December, 10th of March, 15th of May, 18th of July. 18th of July. So 18th of July is celebrated as Nelson Mandela International Day. Which day has been named as the first cultural and tourism capital of SCO? Which city has been named as the first cultural and tourism capital of SCO? Lucknow, Pune, Varanasi, Jaisalmer. The answer is Varanasi. So Varanasi has been named as the first cultural and tourism capital of SCO. Where was the meeting of BIMSTEC expert group on cyber security cooperation held? Delhi, Jaipur, Mumbai, Udaipur. The answer is Delhi. So in Delhi, BIMSTEC expert group on cyber security cooperation meeting held. Where is the India's first e-waste eco park located? Delhi, Pune, Nagpur, Bhopal. The answer is Delhi. So in Delhi, India's first e-waste eco park is located. Which state has launched EFIR? Uttar Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Telangana. So Uttarakhand launched EFIR. Which institution organizes Bharat Rang Mahotsav 2022? National School of Drama, Lalit Kala Academy, Niti Aayog, Sahitya Academy. The answer is National School of Drama. So National School of Drama is going to organize the Bharat Rang Mahotsav 2022 in Delhi. So where National School of Drama is located? It's in New Delhi. So basically NSD is organizing a festival, Azadi Ka Amrit Mahotsav, 22nd Bharat Rang Mahotsav 2022. NSD is an autonomous organization under Ministry of Culture. And this festival aims to remember and pay tribute to our freedom fighters under the Azadi Ka Amrit Mahotsav. Who has been recently appointed as a MD and CEO of National Stock Exchange? तो सेबी ने रिसेंटली किसको अप्रूव किया है NSE का चीफ होने के लिए? उर्जित पटेल, आशीष कुमार चौहान, केवी कामत, अरुंधति भट्टाचार्य. द आंसर इज आशीष कुमार चौहान. तो आशीष कुमार चौहान को एज अ एम डी एंड सी ओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सिलेक्ट किया है सेबी ने फाइनली. करेंटली ही इज सर्विंग एज अ एम डी एंड सी ओ ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. विच स्टेट गेट्स इंडियाज फर्स्ट ए आई पावर्ड लोक अदालत फॉर द फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश. द आंसर इज राजस्थान. सो राजस्थान बेसिकली इंडिया इन इंडिया राजस्थान विल बी द फर्स्ट स्टेट वेयर द एआई पावर्ड लोक अदालत हैज बीन लॉन्च्ड फॉर फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस. हु हैज बीन टेकन एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? ला गणेशन, जगदीप धनकर, भगत सिंह कोश्यारी, द्रौपदी मुर्मू. ला गणेशन. सो ही इज अ करेंटली सर्विंग एज अ गवर्नर ऑफ मणिपुर.
So Manipur governor Lag Nation, he has taken the additional charge as a governor of West Bengal. तो पहले कौन थे West Bengal? जगदीप धनकर. He was the governor and his resignation has been accepted by President Ramnath Kovind. Bhagat Singh Koshyari, he is serving as a governor in Maharashtra. And Draupadi Murmu, she was a former governor of Jharkhand. She is a presidential candidate. Who bagged Sardar Patel Outstanding ICAR Institute Award? NAARM, IISc, NARI, none. The answer is NAARM. The National Academy of Agriculture Research Management established by ICAR. So basically, NAM backed Sardar Patel Outstanding ICAR Institute Award. So आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बिना भूले. थैंक यू सो मच.